वक्त हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर सिंह जी जुड़ गए हैं। तारकिशोर जी, टाइम्स नाउ नव भारत ने यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि गंगा घाट से लेकर पटना बाईपास तक नाबालिगों तक ड्रग्स की पहुंच कितनी आसानी से है। आपने भी ये तस्वीर देखी होगी। बड़ा सवाल ये कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ड्रग्स पेडलर्स को कोई खौफ नहीं सरकार का, कानून का, व्यवस्थाओं का? नहीं, देखिए, हमारी सरकार कानून लागू करने के मामले में काफी सख्त है और आपने देखा होगा कि लगातार नशाबंदी को उल्लंघन करने वाले उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है, इस ढंग की घटनाएं आपने संज्ञान में दी है, लेकिन सरकार इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। तारकिशोर जी, पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर ड्रग्स बेचा जा रहा है युवाओं को? नहीं, मैंने बहुत अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी। 7 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर ड्रग्स मिल रहा है तो कहां चूक हुई है? और सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है और लगातार कार्रवाई के कारण इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें कमी भी आई है और आने वाले दिनों में भी हम संकल्पित हैं, चाहे शराबबंदी हो या नशाबंदी हो, सरकार इसके खिलाफ सरकार इसको सख्ती से लागू करेगी, शराबबंदी को भी और नशाबंदी को भी। बड़े दावे सर आपकी तरफ से हैं। आप शराबबंदी का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी की तस्वीर भी राज्य में दिखाई देती है, कैसे खाली बोतलें विधानसभा परिसर तक में मिल रही हैं। क्या आप मानते हैं बिहार में शराबबंदी एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, एक फेल्ड विचार है? नहीं, देखिए, हमारी सरकार इस मामले में काफी सख्त है, नशाबंदी के भी खिलाफ नशाबंदी को भी लागू करेगी और शराबबंदी को भी लागू करेगी, लागू कर भी रही है, उसके परिणाम भी आए हैं। लगातार आप देखे होंगे कि उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, बरामद भी हो रहे हैं। यह सरकार के सख्ती के कारण ही हो पाया है। हम लोग नशा के खिलाफ हैं और शराब के भी। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। बड़ी उम्मीदों के साथ बिहार की जनता इस वक्त आपको देख और सुन रही है। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि युवाओं को नशे से कौन बचाएगा। इस स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासे हुए हैं, इसके बाद आप क्या एक्शन कर ही रही है, आगे भी कार्रवाई करेगी? आपने इन सारी चीजों को पड़ताल करके सरकार के संज्ञान में लाया है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार की नीयत आपको पता है कि सरकार पूरे तौर पर शराबबंदी को और नशाबंदी को लागू कर रही है और इसके संबंध में जो भी इसका उल्लंघन करता है उस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ठीक है, धन्यवाद तारकिशोर जी। उम्मीद यही कि जो वादे और दावे आपने फिर इस वक्त किए हैं वो जमीन पर सच होते हुए दिखाई दें और ड्रग्स के इस व्यापार पर कम से कम रोक लगे।